तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन किसी भी सिस्टम में, पावर सिस्टम में। हेलो, आवाज साफ आ रही है ना बेटा? जी सर, यस सर। हाँ ठीक है। किसी भी सिस्टम में एक प्राइमरी बैकअप होता है, जिसे मेन बैकअप हम सॉरी एक प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम होती है, जिसे जो हमारी मेन स्कीम होती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, जिससे नॉइस ना आए बाकी, और जब भी जरूरत हो तब अनम्यूट कर लो जब भी कुछ बोलना हो, ठीक है? ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में पावर, हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में प्रोटेक्शन जोन्स की। हम लोगों ने कंप्लीट किया था या कुछ बचा था उसमें? सभी को दिखाई दे रहा है ये? हम लोगों ने बात की थी प्रोटेक्शन जोन्स की। तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं पावर सिस्टम में, जैसे जनरेटर पार्ट होगा, उससे उसकी एसेसरीज और रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, ट्रांसफार्मर है, बस बार है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके अपने जोन्स बनाए जाते हैं, जिसे प्रोटेक्शन जोन्स कहते हैं। तो देयर में बी वन और मोर देन वन इक्विपमेंट्स और द मशीन्स इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन जोन। तो एक जोन में अगर एक से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली द रिलायबिलिटी विल बी लेस, बिकॉज अगर कोई एक इक्विपमेंट खराब होगा तो हमें दोनों को शटडाउन यानी कि आइसोलेट करना होगा, तो उससे रिलायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम एज मिनिमम एज पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स एक प्रोटेक्शन जोन में रखते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज पे भी। अगर रिसोर्सेज, इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड विच आर अवेलेबल टू अस, देन ऑब्वियसली वी आर बाउंड टू इंक्लूड मोर इक्विपमेंट्स इन वन प्रोटेक्शन जोन। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अमंग द प्रोटेक्शन जोन इज द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्शन जोन। ये जो बॉक्स बने हुए हैं बेटा, ये सब सर्किट ब्रेकर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो रिले और सर्किट ब्रेकर ही हमारे मेन फॉल्ट सेंसिंग एंड ट्रिगरिंग आइसोलेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एनी फॉल्ट। तो सर्किट ब्रेकर्स को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, सभी इक्विपमेंट या मशीन्स के दोनों की बाउंड्रीज पे लगे होते हैं, सो दैट वी कैन आइसोलेट दैट मशीन विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इन विच फॉल्ट हैज बीन जेनरेटेड, टू कीप अदर हेल्दी सिस्टम्स इन ऑपरेशन, और इफ नॉट इन ऑपरेशन देन एटलीस्ट वी कैन कीप देम सेफ। ओके, सो बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को, यस नो बोलते रहो, जिससे मुझे भी थोड़ा सा वो, अभी कहीं से निश्चित नॉइस आ रहा था, अगर कहीं नॉइस है तो वो लो, वो म्यूट कर लो, बाकी लोग अनम्यूट कर लो, ठीक है? यस नो बोलते रहो। तो अभी समझ भी में आ आ रही रहा है बेटा? सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, आ रही है आ रही। तो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट प्रोटेक्शन जोन्स फॉर डिफरेंट पार्ट, सेगमेंट्स, मशीन्स और इक्विपमेंट्स ऑफ अ पावर सिस्टम। सो द थिंग विच वी वर डिस्कसिंग इज द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट जोन्स विच हैज बीन शोन हियर। यहाँ डॉटेड लाइन्स से
डिफरेंट प्रोटेक्शन जोन्स को दिखाया गया है, और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को सही से, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ये बुक है बेटा बी राम की बुक, जो मैंने बताई थी ना, बी राम एंड विश्वकर्मा, ये वही बुक है। ठीक है, तो ये बुक अगर हो सके तो ऑनलाइन मंगा लो, या फिर ई बुक परचेज कर लो, उसमें किंडल वर्जन है इसका, अगर किंडल ऐप इंस्टॉल किया तो मोबाइल और लैपटॉप पे चल सकेगा केवल। ठीक है, अगर हार्ड कवर बुक पेपरबैक मंगाना है तो वो मंगा लो, उससे भी कहीं भी रख के पढ़ सकते हो, जैसे सुविधा हो वैसे मंगा लो, लेकिन ये बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसलिए इसको मंगा लो। ठीक है, पेपरबैक एडिशन जो है वो 500 550 का मिलेगा, और जो ई बुक है किंडल वर्जन वो 350 रुपये की है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जोन्स दिखाए गए हैं विद डॉटेड बॉक्स, और ये भी दिखाया गया है कि दीज आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे ऑफ डिफरेंट जोन्स तो क्या होगा कि जो बाउंड्री पे हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं वो हो सकता है कि कई बार ट्रिगर ना करें इन दी कंफ्यूजन दैट टू विच जोन दी फॉल्ट इज एक्चुअली बिलोंगिंग। तो कई बार जो बाउंड्री पे जो हमारे प्रोटेक्शन होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है इन केस द ओवरलैपिंग हैज नॉट बीन डन फॉर डिफरेंट प्रोटेक्शन जोन्स। इसलिए ओवरलैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो अगर डायग्राम, तो जितने भी इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन लाइन हो, बस बार हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, सभी के अक्रॉस सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, और ये केवल सिंबल डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, तो इस केवल दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोटेक्शन जोन्स ओनली। सो वी कैन सी दैट ऑल द प्रोटेक्ट एवरीवेयर द प्रोटेक्शन जोन्स आर ओवरलैपिंग, ऑल द जोन्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर आर ओवरलैपिंग एट द बाउंड्री, सो दैट एट बाउंड्री वी कैन कीप द प्रोटेक्शन सिमिलर टू इन साइड द प्रोटेक्शन जोन। ठीक है, so this is the concept of protection zone which we were discussing in last class, and I don't know whether you have seen the video or not. वो video सभी ने देखा था पूरा, पहला वाला जो हाँ वो अच्छा video था, और उसमें और आगे भी देख सकते हो depending upon syllabus, क्योंकि उनका syllabus और हमारा syllabus different है, तो syllabus के according जो जो videos relevant है उन्हें देख सकते हो class करने के बाद, ये वाली class करने के बाद। तो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन जोन्स एंड द ओवरलैपिंग। देन नेक्स्ट इज द प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन एनी पावर सिस्टम नेटवर्क देर आर मेन बैकअप, मीन्स वी कैन से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स लाइक रिलेज, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, MCB। ओके, सो ऑल दीज आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड हेंस दीज आर कॉल्ड मेन और इनफैक्ट प्राइमरी प्रोटेक्शन। ओके, बट इन एडिशन टू दीज प्राइमरी बैक प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम, वी यूजली एंड इनफैक्ट एट ऑल प्लेसेस वी हैव अ बैकअप प्रोटेक्शन विच एक्ट इन केस द प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स टू ट्रिगर। सो सपोज सम फॉल्ट अकर्स इन सम सेगमेंट ऑफ द पावर सिस्टम एंड अवर प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम फेल्स टू ट्रिगर, और ड्यू टू द प्रॉब्लम और फॉल्ट इन सम ऑफ द इक्विपमेंट और एसेसरीज ऑफ द प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम, मे बी द रिले और द सर्किट ब्रेकर नॉट एक्टिंग इमीडिएटली और एट द पर्टिकुलर टाइम विच हैज बीन असाइंड टू एक्ट फॉर दैट इक्विपमेंट। देर आर ऑलवेज देर आर सर्टेन टाइम लिमिट, because in case of any fault the safety equipment should immediately act so as to save the infrastructure,
therefore to achieve this a certain time period, a small time period has been assigned to each safety equipment to act, and if any equipment, safety equipment, fails to act in that particular time, then obviously there is always a second protection scheme which is called backup scheme. Then the backup scheme acts immediately so as to increase the reliability of our power system protection. Okay, samajh mein aaya beta? बैकअप प्रोटेक्शन की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन? क्यों अर्शद? यस सर, हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो क्या है, व्हाई डू वी नीड द बैक? हमारे पास प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है लेकिन फिर भी हमें बैकअप प्रोटेक्शन रखना पड़ता है हर जगह, सभी जगह, एट ऑल पावर स्टेशन, एट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, सभी जगह पे ट्रांसफॉर्मर, सभी जगह हमें बैकअप प्रोटेक्शन रखना पड़ता है. क्यों अर्शद? अर्शद सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज कट तो नहीं रही है? नो सर. ठीक है, तो इन दिस वे वी ऑलवेज नीड अ बैकअप प्रोटेक्शन. So there are certain types of backup protection. So main categorization has been done, which I will show here through this screen save. So this is the table which shows the ये table दिखाई दे रही है सभी को? Yes sir. Yes sir. तो ये वेरियस सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी एसेसरीज हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, रिलेज, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स, एसी वायरिंग, ब्रेकर ट्रिप मैकेनिज्म, करंट ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी वायरिंग, वीटी, ब्रेकर ऑक्सिलरी स्विचेस, ब्रेकर ट्रिप कॉइल्स, ठीक है, DC supply. These are various safety equipments, and this figure indicates the percentage of total failure. कि कितना failure होता है किस instrument में, ठीक है, किस equipment में. तो हम देखें कि relays में सबसे ज्यादा failure होता है, हाँ 44%. ये एक data है, important data, similar to those data which we have discussed in previous class. So similarly, this is also a kind of data. So this is relays fails for most of the time. This data indicates, this table indicates that relays fails most of the time because the percentage is 44%. Okay. Then circuit breaker interrupters. Circuit breaker interrupters fails approximately 14% times. Then AC wirings approximately 12% times. Then different equipments fails to these percentage of time. Okay, so in this way there are different failure percentage of different equipment. So obviously if the relays are failing this much number of times, so we need either a good maintenance of the equipments, accessories and all other things which are involved in the relay mechanism, or we must have the secondary or in fact backup protection. So with relays there is always a backup protection involved. So there may be either one relay for several primary relays, means there may be one backup relay for several primary relays, or in fact there may be one backup relay for each primary relay. In that case, the infrastructure will be a bit costly. Okay, so usually what happens is that for a group of relays or circuit breakers, we have a single relay or circuit breaker as our backup protection equipment. So there are three types of backup relays. If we talk about the relays, then first is the remote backup, second is the relay backup, third is the breaker backup.
ओके सो इफ वी टॉक अबाउट द रिले बैकअप So when backup relays are located at a neighboring station, they back up the entire primary protective scheme, which includes the relay circuit breaker, VT, CT, and other elements in case of a failure of primary protective scheme. ठीक है, तो nearby station या फिर nearby place पे क्या होती है, हमारे जो secondary या फिर backup रिले है वो इंस्टॉल्ड होती है फॉर सम ऑफ द प्राइमरी रिलेज और इनफैक्ट सर्किट ब्रेकर और अदर इक्विपमेंट्स ऑफ द एक्चुअल प्रोटेक्शन सिस्टम. सो तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो बहुत कॉमनली यूज्ड है और दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बैकअप स्कीम इन विच फॉर सेवरल रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर वी हैव वन सेट ऑफ relay and circuit breaker. So in case of any failure in trip of the main protection scheme, the whenever this secondary backup which is in the form of remote backup acts, then a large area gets shut down because that secondary or backup scheme is for several relays and circuit breakers. So it is the simplest form of backup protection and is widely used backup protection for transmission lines. It is most desirable because of the fact that it will not fail due to the factors causing the failure of the primary protection. Okay, so usually in case the primary protection fails, the secondary this type of secondary or backup protection scheme is very much reliable because these are maintained at a good quality, because primary there may be some deficiencies in the maintenance of primary protection scheme, but since the backup schemes or relays are in less use, they are only used few times whenever the failure of primary system occurs. So these are, this is easy to maintain these backup relays more conveniently than the primary. So the reliability of these backup relays increases to a great extent. So by simple good maintenance and time to time observation and everything, we can increase the reliability up to 100% also. Means in case the primary fails, the secondary will act. There are fair and in fact good chances that this secondary will never fail. Then the second type is the relay backup. So this is a kind of local backup in which an additional relay is provided for backup protection. So this ये वो है जो मैं बात कर रहा था कि if we have one relay for each primary relay as a backup, then that will be relay backup. Okay. So obviously this will be very costly because we cannot place backup relay for every primary relay. Okay. So but obviously the in case of failure, large area will not be needed to be shut down. So in these type of backup schemes are adopted to some sensitive areas only, where the supply has it is very much necessary that not to interrupt the supply. So in such places like some of the research lab and some hospitals and other places, we can adopt such protection schemes, means for such type of customers or consumers.
it trips the same circuit breaker if the primary relay fails and this operation takes place without delay. Okay. Though such a backup is costly, it can be recommended where a remote backup is not possible. Okay. So this is also recommended where the remote backup is not possible, means large area will not be covered by the backup protection. So for backup relays, principle of operation that are different from those of primary protection as desirable. Okay. They should be supplied from separate current and potential transformers. So obviously the accessories which are involved for the operation of any equipment should be different for primary and secondary, backup scheme. Otherwise, if the equipments, these accessories will be same, then in case of the accessories failure, as we have seen in the previous table, that there are certain percentage. For example, if we talk about the current transformer, there are 7% chances that current transformer may also fail. So if you are using the same current transformer for both the relays, then obviously if the fault is taking place due to current transformer, then the even the backup scheme will not be able to save our system. Okay, safeguard our system. So obviously there should be separate accessories for increased reliability of the system. So they should be supplied from separate current and potential transformers. Then the third type is the breaker backup. Okay, so this is also a kind of local backup. This is also means similar to previous one. This is also a kind of local backup. This type of backup is necessary for a bus bar system where a number of circuit breakers are connected to it. Okay, so if we talk about the bus bar, then due to the connection of several transmission lines in it, there are large number of circuit breakers which are connected to a bus bar. So when a protective relay operates in response to a fault, but the circuit breaker fails to trip, the fault is treated as a bus bar fault. Okay. So in such a situation, it becomes necessary that all other circuit breakers on that bus bar should trip. After a time delay, the main relay closes the contact of a backup relay, which trips all other circuit breakers on the bus. If the proper breaker does not trip within a specified time, after it trips, coil is energized. Okay. So what happens is that if a particular breaker will not be able to trip after the fault occurs, means after a specified time which has been allotted to that breaker, then what will happen with a secondary or backup breaker scheme, all these circuit breakers of that bus bar will be tripped. Okay, so in case of single fault, all the bus bars will be tripped, and later on it will be seen by manually that which fault has occurred. Then we maintain that part and resume the service. So this is for the circuit breaker. Second one was the for relay, and first is the most common type of safety scheme, which is remote backup. So this is different. This is all about primary backup protection. Okay. So if we open our syllabus once, बेटा मैंने एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट जीरो. हेलो जी सर. असाइनमेंट जीरो दिया था, वो सभी ने सबमिट किया कि नहीं किया? हाँ सर, किया था मैंने. बेटा मिला नहीं मुझे, मैंने इसीलिए असाइनमेंट जीरो दिया था, इसके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, ताकि आप लोग
प्रैक्टिस कर सके कि गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं, तो किसी ने किया ही नहीं। ऋचा अरुण मैंने किया था सर, नहीं मिल रहे थे। मैं अभी शो कर रहा हूँ, असाइनमेंट किस चीज का था? मैं अभी शो करता हूँ थ्रू स्क्रीन शेयर। तो सिलेबस पहले ओपन करें। मीटिंग बेटा वो टाइम खत्म होने वाला है 40 मिनट का, इसके बाद सेम लिंक को क्लिक करना टू ज्वाइन अगेन, ठीक है? ओके ओके सर। 40 मिनट की टाइम लिमिट होती है। ये देखो बेटा, ये है असाइनमेंट जीरो, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। देखो अर्षद ने किया है, ठीक है, लेकिन क्या किया है ये भी देखो। इसने किया है लेकिन मतलब केवल अपने ईमेल आईडी लिख के सबमिट कर दिए, ये देखो रिस्पॉन्सेस पे अगर मैं क्लिक करूं, इफ आई क्लिक ऑन द रिस्पॉन्सेस, ओके, सो हियर आई हैव वन रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स इज फ्रॉम ए खान UCTM@gmail.com, ठीक है? अब रिस्पॉन्स में प्लीज राइट एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर सर्चिंग एंड रीडिंग अबाउट इट across the internet, ebooks and several other resources, ठीक है? So this in this assignment you had to write the overview of the subject. This was for your practice to submit the assignment online, but in this nothing has been written by Arshad. So Arshad ने कुछ इसमें लिखा नहीं है, है? केवल अपनी ईमेल आई डी लिख के सबमिट कर दिया है। ये देखो इंडिविजुअल, ठीक है, केवल एक है, वन ऑफ वन, ओवरव्यू, ईमेल आईडी तो लिखे लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा है ओवरव्यू। अर्शद जी सर, कैसे किया था तुमने, क्या लिखा था ओवरव्यू? सर ध्यान नहीं, पता नहीं सर लिखे थे। हाँ तो बेटा अगर तुम लोग नहीं देख पाओगे तो असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करोगे, इसीलिए मैंने ये दिया है कि प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? तो इसका तो टाइम निकल गया, या फिर मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम सभी इस फ्राइडे तक इसे सबमिट करोगे। मैं इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा रहा हूं। चाहे जो टॉपिक में रहेगी, हाँ टॉपिक में कौन सा रहेगा इसमें, ये जो सब्जेक्ट है हमारा पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन, इसका ओवरव्यू लिखना है, ओवरव्यू देना है, ठीक है? ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे या फिर इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, व्हिच एरिया ऑफ द पावर सिस्टम इट कवर्स, व्हाट आर डिफरेंट सेक्शंस व्हिच वी स्टडी और व्हिच आर बीइंग कवर्ड इन दिस फील्ड, ठीक है? तो मैं इसे एडिट कर रहा हूँ और एडिट करके इसका टाइम बढ़ा रहा हूँ, इस फ्राइडे तक आप लोग सबमिट करिएगा इसको, ठीक है? To edit this,
हाँ ये वहां से होगा, गूगल क्लासरूम से एडिट होगा। तो असाइनमेंट जीरो, दिस इज असाइनमेंट जीरो एंड वी विल एडिट इट। ओके सो हियर वी कैन सी द ड्यू डेट। ड्यू डेट वाज फ्राइडे 14th अगस्त। ओके बट नाउ वी विल चेंज इट टू अ लेटर डेट व्हिच इज 28th। Okay, so you have to submit this assignment up to 28 August, up to 12 midnight. Okay, 23:59. ठीक है? अब ठीक है? तो इस सभी लोग करना और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है? ये असाइनमेंट मस्ट है। इसके कोई मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, एडिट कर रहा हूँ और इसके जो मार्क्स हैं पॉइंट्स, ठीक, ये जो पॉइंट्स है इसको अनमार्क्ड कर दिया है। इसको मैं चाहूँ तो मार्क्स दे सकता हूँ, जैसे 02 तो ये 2 नंबर का हो जाएगा है? लेकिन इसे मैं किस मार्क्स क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, अनमार्क्ड, सेव। सो नाउ दिस असाइनमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्ट्रीम। Okay, and it will also show you in upcomings that this is the assignment, assignment zero, which you have to submit on Friday, on or before Friday. This is the due date. Okay, so you will do this, and then I can share the syllabus. ठीक है, तो ये है सिलेबस। हम लोगों ने ये अभी तक पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन स्कीम एंड इट्स एलिमेंट, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग, प्रोटेक्टिव जोन्स, प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसके आगे ये जो सर सिलेबस ने फ्यूज क्यों नहीं है, सिलेबस ने फ्यूज क्यों नहीं है, फ्यूज फ्यूज बेटा मेनली इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं। इसमें फ्यूज वगैरह स्मॉल सेंसिंग डिवाइस है जो जी इसमें कवर्ड नहीं है ये, और वो बल्कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल डिवाइसेस होती हैं जो कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू विल हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग बाय योर सेल्फ थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर दीज थिंग्स इन सिलेबस। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही सारी चीजें सिलेबस में नहीं होती है जो हमें, यहाँ पे केवल वो चीज होती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो तुम लोग डिप्लोमा में तो पढ़ते हो लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ते हो, और मतलब हमें इन रियल लाइफ हमें उससे इनकाउंटर होना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें हम पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं केवल वो चीजें जो विचार इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि इंजीनियर्स का मेन काम यही समझा जाता है, और अदरवाइज कहीं भी अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट या कहीं पे भी काम करता है कोई इंजीनियर तो वो उसकी ट्रेनिंग होती है उससे पहले प्रॉपर, केवल बीटेक स्टडी के बेसिस पे उसे वो जॉब या फिर वो काम नहीं असाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है ना हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दीज आर द मेन इक्विपमेंट्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। अगर नहीं है कहीं तो मेरे ख्याल से नहीं है फ्यूज। नहीं सर नहीं। हाँ तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इस यूनिट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्या पढ़ेंगे, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश करो अगर किसी के कॉन्टेक्ट हो पाए तो ये सविता और श्वेता से कि सर एक बार बात करना चाहते हैं फोन पे, और उनको कॉल कर ले। ठीक है, मुझे एक बार okay, जरूर करें, जब तो मैसेज डाल देना, और जब भी वो सीन हो जाए तो मुझे बता देना कि सब सीन हो गया है।
और फिर मैं देखता हूँ उसी नोट ओके के बाद सर, भी क्लास उन्होंने कॉल की कि नहीं, ठीक है, तो मैसेज डाल देना कि सर वॉन्ट्स टॉक टू यू, प्लीज कॉल हिम, और जब सीन हो जाएगा तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पर ही, ठीक है बेटा। ओके।